एक बार फिर गाजीपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। गाजीपुर पुलिस ने गहमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 705 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया है। आपको बता दें, गहमर थाना इंचार्ज विमल कुमार मिश्र और 12 चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक राजेश बहादुर सिंह मैं हमराही द्वारा बिहार बॉर्डर पर कर्मनाशा पुल के पास दंगल वीर बाबा के सामने से दो वाहनों से करीब 705 लीटर देसी शराब को बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें, पुलिस ने साथ ही एक जिंदा कारतूस और देसी तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जिन गाड़ियों से देसी शराब बरामद हुआ है उसमें एक मैजिक और एक स्कॉर्पियो थी। मैजिक गाड़ी से करीब 1800 सीसी देसी शराब और स्कॉर्पियो से करीब 1920 सीसी देसी शराब बरामद हुआ है।